बड़ी खबर, महाविकास अघाड़ी में फूट, एनसीपी शिवसेना में दो फाड़। एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन तार तार। संजय राउत ने एनसीपी के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोप। आपको बता दें कि बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। आपको बता दें कि सचिन वाजे के खुलासों के बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में और राजनीतिक गलियारों में यह बहुत बड़ी अंदर की खबर है कि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल किसी बड़ी मीटिंग के लिए अहमदाबाद गए थे, जिसके बाद परिणाम स्वरूप ये है कि शिवसेना और संजय राउत पूरी तरीके से बौखला गए। संजय राउत ने ये एक्सीडेंटल गृह मंत्री करार दिया है अनिल देशमुख को। आपको बता दें कि दो फाड़ होती दिख रही है, गठबंधन तार तार होता दिख रहा है मीटिंग के बाद। सबसे बड़ा सवाल, कब जाएगी अनिल देशमुख की कुर्सी? शिवसेना के तीखे सवाल, पुलिस के दफ्तर में सचिन वाजे वसूली कर रहा था और एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को पता ही नहीं था, ऐसा कैसे मुमकिन है? आपको बता दें कि मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने भी शिवसेना पर ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा सीएम एक्शन क्यों नहीं लेते। तो आपको बता दें कि ये फूट पड़ती दिखाई दे रही है, गठबंधन पूर्ण तरीके से तार तार होता दिख रहा है। अगर आपको बात की जाए तो परमवीर सिंह के एक के बाद एक जो खुलासे किए थे और उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने जो अनिल देशमुख को लेकर बड़ा खुलासा किया था, उसके बाद एनसीपी और शिवसेना की नींद हराम हो चुकी है और उसके बाद अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि परमवीर सिंह के लेटर बम पर अब शिवसेना एनसीपी में खटपट तेज होती दिख रही है। संजय राउत के सवाल पर देशमुख का जवाब, कहा सीएम उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि मुझ पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए, तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे उनकी जांच। आपको बता दें कि अनिल देशमुख की नींद भी हराम हो चुकी है, उनको अब समझ नहीं आ रहा, अपनों ने ही आंख दिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती दिख रही है। गठबंधन के तीनों घटक दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग सुर में बोल रहे हैं। एमवीए सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में जहां देशमुख को नसीहतें दी हैं, वहीं पूर्व कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने भी पूछा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार कह चुके हैं कि गृह मंत्री के भविष्य का फैसला मुख्यमंत्री करें और सीएम शिवसेना से है, तो उन्हें किसने रोक रखा है? देशमुख ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फैसला कर चुके हैं, तो उन पर आरोप जो लग रहे हैं उसकी जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। और अनिल देशमुख कहते हैं कि उन पर जांच करानी भी चाहिए। सामना में संजय राउत ने देशमुख को खूब लताड़ा। आपको बता दें कि दो फाड़ होती दिख रही है दोनों पार्टियों के बीच। शिवसेना के बड़बोले नेता सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहते हैं अपने विवादित बयान के लिए, संजय राउत ने सामना में देशमुख को खूब फटकार लगाई है। संपादकीय में उन्होंने लिखा कि अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। एंटीलिया केस में गिरफ्तार हो चुके मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को लेकर राउत ने लिखा, वाजे महज एक सहायक पुलिस निरीक्षक था, उसे मुंबई पुलिस का असीमित अधिकारी किसके आदेश पर दिया, ये वास्तविक जांच का विषय है। मुंबई पुलिस आयुक्तालय में बैठकर वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। आपको बता दें संजय राउत ने बार बार हमला कर देशमुख पर यह भी सवाल दागे हैं कि अनिल देशमुख एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं। आपको बता दें जिसके बाद कांग्रेस के संजय निरुपम शिवसेना पर बरसे और उन्होंने सामना में छपा लेख पढ़ने के बाद संजय निरुपम ने ट्वीट कर शिवसेना नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। निरुपम ने लिखा, शिवसेना ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के चाल चलन पर शक जाहिर किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया कह चुके हैं कि गृह मंत्री के भविष्य का फैसला मुख्यमंत्री करे, जो कि उद्धव ठाकरे हैं, मुख्यमंत्री शिवसेना के हैं और मौन साधे हुए, फिर एक्शन लेने से मुख्यमंत्री को किसने रोक रखा है? आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राउत को एनसीपी मुखिया शरद पवार को प्रवक्ता करार दे दिया है, जिसके बाद अब तीनों में ही आपस में खटपट होती दिख रही है, तीनों में ही आपस में फूट पड़ती दिख रही है और एमवीए सरकार शायद अपनी कुछ आखिरी सांसें गिनती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अब शिवसेना और एनसीपी से किनारा कर दिया है। आपको बता दें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में भविष्य में होने वाले चुनाव अकेले लड़ने की संभावना तलाश रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से ये बात भी कही है। पटोले ने ये तक कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार के सहयोगी के तौर पर कांग्रेस के सत्ता में होना बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं।
उनके इस बयान के गहरे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें ये साफ शिवसेना और एनसीपी से किनारा करते हुए दिख रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ने ये रुख साफ कर दिया है कि जो भी दोनों के बीच में चल रहा है उससे हमारे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद बहुत ज्यादा ट्विटर पर भी इसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं और लोग बहुत अलग तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं। आपको एक और चीज बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिवसेना सांसद संजय राउत ने देशमुख को काफी जो नसीहतें दी हैं उसमें कई तीखे सवाल भी दागे हैं। ऐसे में जब अपनों ने ही आग दिखाना शुरू कर दिया है देशमुख को, तो जब अपनी जबान खोलते हुए सीएम उद्धव ठाकरे की हां में हां मिलाते हुए अनिल देशमुख दिखते हैं और वो कहते हैं कि जांच कराने का जब उद्धव ठाकरे ने आग्रह दिया है तो उन पर फैसला आना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आरोपों की जांच जो करेंगे वो रिटायर्ड जज करेंगे। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार ने मीटिंग करी अहमदाबाद में, जिसके बाद शिवसेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। शिवसेना पूरी तरह से बौखला चुकी है और उसके बाद संजय राउत फायर ब्रांड नेता शिवसेना के बौखलाते हुए बयान दे रहे हैं, जो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने एक्सीडेंटल गृह मंत्री करार दिया अनिल देशमुख पर, जिस पर नवाब मलिक ने भी रुख अपना साफ कर दिया और उन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने बयान देते हुए कहा कि अनिल देशमुख आकस्मिक गृह मंत्री नहीं है, यदि संपादकीय सामना के कमियों को आगे लाया गया है तो इसे सकारात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ नवाब मलिक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कमियों को दूर करने की दिशा में जरूर काम करेंगे अनिल देशमुख, लेकिन अनिल देशमुख को सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि अनिल देशमुख की कुर्सी कब जाएगी। जिस तरीके से अनिल देशमुख को लेकर एमवीए के बाकी घटक दलों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, उससे तो यही लगता है कि अब इस पद पर ज्यादा दिन बने नहीं रहने वाले हैं अनिल देशमुख। राउत ने सामना में भी लिखा है कि गृह मंत्री का पद मिलना महज एक एक्सीडेंट ही था। संजय राउत के अनुसार जयंत पाटिल दिलीप वलसे पाटिल ने यह पद नहीं लिया था। सामना में लिखा गया कि संदिग्ध व्यक्ति के घेरे में रहकर राज्य के गृह मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। निरुपम ने जिस तरह शिवसेना को आड़े हाथ लिया है उससे भी यही संकेत मिलते हैं कि एमवीए में अब महाविकास अघाड़े सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। महाविकास अघाड़े को जहां लोग महा वसूली सरकार के रूप में देख रहे थे, तो उसमें 100 करोड़ के जो लेटर बम आया है वो भी बहुत बड़ा खुलासा करता है। देशमुख के खिलाफ जांच होने की मंजूरी तो दे दी है, अब अनिल देशमुख क्या क्या राज खोलेंगे ये देखना अहम होगा। आपको बता दें कि अनिल देशमुख पर आरोप क्या है, तो अनिल देशमुख पर आरोप है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीएम को एक चिट्ठी लिखकर देशमुख के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। उनके मुताबिक देशमुख ने वजह को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। देशमुख ने इन आरोपों को सिरे से खारिज तो किया, लेकिन उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आपको बता दें उन्होंने देशमुख पर जो भी सवाल दागे हैं उसमें सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। याचिका में सिंह ने मुंबई पुलिस प्रमुख के पद से हटाकर होमगार्ड की कमांडेंट जनरल के रूप में ट्रांसफर को भी चुनौती दी। आपको बता दें कि एनआईए ने देशमुख को लेकर बार मालिकों से भी पूछताछ जारी की है। एंटीलिया केस में अब तक 35 से ज्यादा लोगों से जानकारी ली गई है, पूछताछ की गई है, और रविवार को एनआईए ने एक बयान में कहा कि देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें लेकर मुंबई और नजदीकी इलाकों में कई बार मालिकों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि तीनों दलों में जो तीन घटक दल थे महाविकास अघाड़े के, वो तीनों अलग अलग दिशाओं में भागते फिर रहे हैं। तीनों के तीनों आपस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए दिख रहे हैं। जिसमें बात की जाए शिवसेना और एनसीपी की, तो दोनों में दो फाड़ जारी है, जहां संजय राउत एक के बाद एक सवाल दाग रहे हैं अनिल देशमुख पर, तो अनिल देशमुख भी अब मौन धारण करे हुए हैं। अनिल देशमुख को अब समझ नहीं आ रहा, जब अपनों ने ही उनसे किनारा कर लिया तो अब अनिल देशमुख कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। और साथ ही साथ शरद पवार ने भी कह दिया है कि जो कार्यवाही करनी है वो सीएम उद्धव ठाकरे ही करेंगे। तो अब उद्धव ठाकरे मौन व्रत तोड़कर क्या जांच होती है और जांच में क्या बड़े बड़े खुलासे होते हैं। एनआईए जो बार बार बड़े खुलासे कर रही है, साथ ही साथ सचिन बाजे जो अब पिटारे की तरह बार बार सारे राज उगल रहे हैं, उसके बाद अब कब जाएगी अनिल देशमुख की कुर्सी, ये बड़ा सवाल है। और कब तक ये जो एमवीए सरकार, महाविकास अघाड़े सरकार जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो कब तक टिक पाएगी। आपको बता दें कि लोगों का ये भी कहना है कि एक्सीडेंटल ही सीएम है, जिनके पास कोई भी
एक वजूद नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप का काम चल रहा है, तो ऐसे में सरकार कब तक चलेगी? जनता ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे काफी ट्रॉल करते हुए दिख रहे हैं महाविकास अगाड़े को, और कांग्रेस भी किनारा करती हुई दिख रही है। अब देखना अहम होगा कि अब कौन कौन से बड़े खुलासे करती है एनआईए। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।